देश के प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को बचाइए भी, बेटी को पढ़ाइए भी। और जब ये शुरुआत हुई, आज वो अनुपात आप देखिए, ये अनुपात आज सुधरा है। मैं आपको इसलिए इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देती हूँ। डिमांड्स मेड ऑन वुमन, ये किसी ने लिखा है, मैं कोट करना चाहूंगी। इट्स वेरी हार्ड टू बी अ वुमन बिकॉज यू मस्ट थिंक लाइक अ मैन, एक्ट लाइक अ लेडी, लुक लाइक अ ब्यूटी क्वीन एंड वर्क लाइक अ हॉर्स। जब हम 50% आबादी हैं, तो 50% हमारा रिप्रेजेंटेशन क्यों ना हो, पार्लियामेंट में हो या असेंबली में क्यों ना हो। तीजन बाई को अवार्ड देने वाले भी हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ही है। आज राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सबको बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित तौर पर महिलाएं राष्ट्र लेवल पे काम कर रही हैं, पर शासन की नीतियों से कहीं ना कहीं महिला दुखी हैं। महिलाएं आज सुरक्षित नहीं हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, लेकिन कहीं भी लगता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाएं आज महंगाई को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम निवेदन करते हैं देश के, आपके माध्यम से मैं निवेदन करती हूँ, खास तौर पर महिलाओं का किचन का बजट बिगड़ चुका है, इसलिए महंगाई पे चर्चा हो और महंगाई कम किया जाए। 90% ऑफ अवर वुमेन इन द रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज डू नॉट नो दैट देयर इज अ डे स्पेशली कार्ड फॉर देम एंड दे डू नॉट नो दैट देयर हैज टू बी अ सेलिब्रेशन ऑन दिस डे। सर, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस एंड टू एवरीबडी हियर दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वुमेन्स celebration day here and talking to each other about empowerment, but we are talking about a participatory democracy in this country where every woman needs to live with a life of dignity to take part in this democracy. And that is why only one instance comes to my mind as a women rights crusader, that you take centuries in the past and maybe in the future there will never be a vision like Rajiv Gandhi's vision of bringing women into the local participation and to bring women as leaders. Right. Sir, a question was asked in this honorable house, how many women sarpanches have taken have been there in the last 30 years after the 73rd and the 74th amendment, and sir, the answer given by the minister was more than 1 lakh sarpanches, women sarpanches have come in this right. country. This would not have been possible right. unless there's a vision. Okay, sir, I wish that all these women get access to all the scheme, all the rights that have been given by this constitution, and every woman, empowered woman, should see that another woman gets empowered. Thank you, sir. आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अगर मैं शास्त्र की बात करूं, तो यत्र नारी पूजते रमते तत्र देवता, और अगर मैं राजनीति की बात करूं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आपने दिया है, बोलने में और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता से कोसों दूर है ये नारा। आज बेटी कहीं पे सुरक्षित नहीं है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, हम इसी में लग जाए तो फिर कुछ होगा नहीं, ऐसे ही चल रहा है 20 साल से। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो तीजन बाई जो एक अनपढ़ महिला थी, तीजन बाई से लेकर कल्पना चावला जो आसमान में रही, धरती से लेकर आसमान तक महिलाओं ने सर्वत्र अपना जौहर दिखाया है। चाहे आज के समय में चाहे फाइटर लड़ाकू विमान चलाने की बात हो, बस उनको अवसर मिलने की आवश्यकता है। जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने महिला आरक्षण पंचायती राज में और नगरीय निकाय में ला के महिलाओं को अवसर दिया। सर, आज महिलाएं सभी जगह सशक्त हैं। मैं चाहती हूं सदन के माध्यम से आज विशेष दिवस के उपलक्ष्य में कि विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा में भी महिलाओं को आरक्षण मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। चेयरमैन सर, वुमेन हैव ऑलवेज बीन ऑन द फोरफ्रंट इन टर्म्स ऑफ सर्विस। स्पीक अबाउट वर्ल्ड वॉर्स एंड वी कैन थिंक ऑफ द रेड क्रॉस। स्पीक अबाउट लेप्रेसी, वी थिंक अबाउट मदर टेरेसा एंड द मिशनरीज। Whether it's Spanish flu, whether it's plague, whether it's any crisis, women are always in the forefront. However, they have to get the opportunity to play a full role in shaping pivotal decisions, Chairman Sir. Sadly, the deep-seated historic, cultural, socio-economic barriers prevent women from taking their seat at the decision-making table so that resources and power are more equitably distributed.
they have always remained at the lowest paid jobs and many in extremely vulnerable forms of employment. Many audits have shown that not more than 6% of women have got a role of leadership. So we must think about it, and we can make a beginning, sir, by bringing the legislation on the 33% reservation for women in Lok Sabha and Rajya Sabha, because it has been proof, sir, that even during the COVID-19 pandemic, in many countries, women heads of government in Denmark, Ethiopia, Finland, Germany, Iceland, New Zealand, Slovakia, they have been widely recognized and appreciated for their quickness, for their activeness, for their effectiveness in the nation's response to the COVID-19 pandemic, sir. Maniya Sabhapati ji, main aapka dhanyavad karti hoon ki aaj vishesh roop se aap mahilaon ko samrakshan de rahe hain, bolne ka mauka de rahe hain. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इसने तय किया तो दो जर्मन महिलाओं ने इसको शुरुआत इसकी करी थी और आज मैं इस सदन के पटल से ये मांग रखती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाए. नहीं, हम बराबरी की बात तो करते ही हैं. तो एनीवे, मैं बस कुछ सबसे पहले सर, अभी बात हुई कल्पना चावला की, तो मुझे अभी मांडविया जी ने बताया है कि कल एक बहुत अद्भुत घटना घटी है कि पहली बार एक टैंकर शिप पूरा क्रू महिलाओं का, कैप्टन से लेके सभी, वो बंबई से वाड़ीनार गया है और दुनिया में ये पहली घटना है और दुनिया के सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इसको बहुत सरा है. सर, आई जस्ट वॉन्ट टू से अ फ्यू थिंग्स, प्लीज अलाउ मी टाइम. डिमांड्स मेड ऑन वुमन, ये किसी ने लिखा है, मैं कोट करना चाहूंगी. इट्स वेरी हार्ड टू बी अ वुमन बिकॉज यू मस्ट थिंक लाइक अ मैन, एक्ट लाइक अ लेडी, लुक लाइक अ ब्यूटी क्वीन एंड वर्क लाइक अ हॉर्स. और अभी जो मेरी बहन ने बात की, तो सर मेरा कल एक कार्यक्रम था स्त्री, और ये नाट्य कथा 2 घंटे की, उसमें मैंने कहा है आधे से अधिक हूं पर अधिकार से वंचित हूं. तो ये जो सारे क्षेत्रों में बराबरी की बात हो रही है, जहां पॉलिसी नीतियां गढ़ी जाती हैं, वहां पर अभी तक हम लोग इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं कि कितना प्रतिशत स्त्रियों का होना चाहिए. सर, ये कौन अधिकार देता है, ये मैं पूछना चाहती हूं. तो आधे से अधिक हूं पर अधिकार से अभी तक वंचित हूं, इस पे विचार किया जाए. धन्यवाद. श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी, लोकसभा. माननीय सभापति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी और सारी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं भी देना चाहूंगी. प्लीज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं भी देना चाहूंगी. साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी सर, आपने बहुत सारी बातें कही अपने इंटरनेशनल वुमेंस डे को लेकर. हमने 24 साल पहले ये शुरुआत की थी पार्लियामेंट से कि हम 33% रिजर्वेशन लाएंगे महिलाओं के लिए. मैं मानती हूँ 24 साल के बाद हमें ये जो आंकड़ा है 50% कर देना चाहिए. जब हम 50% आबादी हैं तो 50% हमारा रिप्रेजेंटेशन क्यों ना हो, पार्लियामेंट में हो या असेंबली में, क्यों ना हो. साथ ही साथ सर, मैं इस बैकड्रॉप में ये भी बात करना चाहूंगी कि जब कोविड आया और कोविड की प्लीज मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहूंगी आज के दिन सर, क्योंकि ये महिला, मैं मानती हूँ कि राजनीति से ऊपर ये विषय है. और जब हम बात करते हैं कोविड को लेकर और कोविड लॉकडाउन को लेकर, सबसे ज्यादा गाज जो पड़ी है महिलाओं पर पड़ी है, उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर हो, उनकी समस्याएं को लेकर हो, डोमेस्टिक वर्कलोड बढ़ा हो, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा हो, चाइल्ड मैरिजेस बढ़ी हो, महिलाओं को जो पढ़ाई करती थी उससे उनको वंचित रखा गया हो, ये सारी मुद्दे देश के सामने आए हैं. मैं चाहूंगी कि हम देश में और पार्लियामेंट के माध्यम से इस पर चर्चा करें. आखिरी बात सर, बस एक चीज कहूंगी, इंडिया में सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर बायस एक रिपोर्ट बताती है होता है, वर्क पेलोड का हो या उनकी भागीदारी का हो. तो मैं उम्मीद करती हूं कि हम सब अपनी राजनीति से ऊपर उठकर महिलाओं के मुद्दों को सक्षम तरीके से रखेंगे और उनकी भागीदारी बढ़ाएंगे. धन्यवाद.
जिस तरह से अभी मैं सुन रही थी कि तीजन बाई की बात आ रही थी, तो तीजन बाई को अवार्ड देने वाले भी हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ही है। जिस तरह से मैं चूंकि ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ, पूरे देश में जिस तरीके से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी जगह आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही हैं, और जिस तरह से सम्मान की बात आती है, तो मैं बताना चाहूंगी कि आज पंचायत में हो या पार्लियामेंट में हो, जिस तरीके से हमारी बहनों का सम्मान हो रहे हैं, आज त्रिस्तरीय पंचायती राज में 50% आरक्षण भी मिली, उसके साथ साथ बहनें हमारी आगे आई, और आज मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में 78 महिलाएं लोकसभा में और 27 महिलाएं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कर रही हैं। माननीय सभापति जी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं और पिछले कुछ वर्षों में मुझे लगता है कि महिलाएं बेहद सशक्त हुई हैं। महिलाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम तो वैसे भी बार बार अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं इस बात के लिए साधुवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने शुरुआत की। मैं इस पर राजनीति नहीं कर रही हूं, मेरी बात को गंभीरता से सुनिए। इस देश में जब बच्ची पैदा होती थी, ये पुरातन समय से शुरुआत हुई, अगर बिटिया घर में पैदा हुई तो कई ऐसे प्रदेश थे जहां पर बिटिया को पैदा होने के पहले मार दिया जाता था, या बिटिया अगर पैदा हो गई तो उस बिटिया को पैदा होने के बाद खत्म कर दिया जाता था। और ये शुरुआत हुई, अनुपात बिगड़ा, और ये अनुपात बिगड़ने के कारण परिस्थितियां बहुत भयानक होने लगी। देश के प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को बचाइए भी, बेटी को पढ़ाइए भी। मुझे वो दिन भी याद है जिसमें हमारे 3 तलाक का मुद्दा था। इस सदन में लोगों ने जिन विषयों को रखा, 3 तलाक, जो लोग पीड़ित थे उस बहन से पूछिए 3 तलाक शब्द से वो कितनी भयभीत होती थी। और राजनीति के तुष्टीकरण के कारण, तुष्टीकरण की राजनीति ने हर बार उनको मरने के लिए मजबूर किया। 3 तलाक का मुद्दा आज ऐसा मुद्दा रहा कि इस सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ताकत के साथ में शुरुआत करी। आज माननीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। अगर मैं महिलाओं के अधिकार की बात करूं, कर्तव्य की बात करूं, मनर मैं अपनी बात बताती हूं कि आज तक मुझे इतना सम्मान मिला है, वो पुरुषों के द्वारा मिला है, मुझे कहीं ये फीलिंग नहीं हुई कि मैं महिला हूं। और मैं बहुत खुश हूं इस बात को लेकर के। मैं 1995 में से राजनीति में आई हूं, आज 2020 का वक्त है, मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मुझे कहीं पर महिला होने के नाते रोका गया हो। और मानवर मैं इस सदन में आकर के मेरी निगाहें स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को ढूंढ रही हैं, जो हमारी प्रेरणा स्रोत हुआ करती थी, जो हमारी आदर्श हुआ करती थी। ऐसी हमारी बहनें पूरे सारे कार्य क्षेत्र में, चाहे वो हम वायुवान की बात करें, चाहे ट्रेन की बात करें, चाहे पार्लियामेंट की बात करें, चाहे सामाजिक जीवन की बात करें, चाहे टीचिंग लाइन की बात करें, चाहे डॉक्टर की लाइन की बात करें, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ पर हमारी